पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर विवादित हालात के चलते सुर्खियों में। अलीगढ़ में लोगों ने घर के बाहर ऐसे शब्द लिख दिए जो लोगों को चुभ रहे हैं। पिछले करीब 10 दिनों से नूरपुर गांव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब घूम रही हैं, लेकिन आखिर इस विवाद के पीछे का पूरा सच क्या है? ये चुनावी मौसम में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की क्या कोशिश हो रही है, या फिर सच वही है जो गांव के वो लोग कह रहे हैं जो खुद को पीड़ित समझते हैं? अलीगढ़ से आ रही इस चुभने वाली खबर से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ में हिंदुओं को डर लगता है। वहाँ बराती जब पट रहे थे, उन बरातियों की भी यही आह थी, कह रहे है कोई हिंदू जाए जो हमको बचा सके। हम नूरपुर में नफरत का जहर क्यों घुल रहा है? 2006 से हम पर बीत रही है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं हमारे ऊपर बहुत ज्यादा। टप्पल में टेंशन की असली वजह क्या है? नहीं, पहले तो चढ़ती थी, अभी ज्यादा परेशान करते हैं। जब भी बारात रोड पे आती है, जब भी बंद कर देते हैं, और इसी वजह से बंद करने के बाद लट लगा के ले आते हैं। पश्चिमी यूपी में माहौल कौन खराब कर रहा है? ये कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस आग में घी डालकर रोटियां सेकना चाहते हैं। अगले साल चुनाव है, फिर वही तनाव है। वो डीजे इतने तगड़ों को मस्जिदें भी हला दे रहे और यहां कूद रहे। अलीगढ़ के नूरपुर गांव की ये गलियां शांत हैं, लेकिन दीवारों पर लिखी ये इबारत बहुत कुछ बोल रही है। यहाँ लिखा है मकान बिकाऊ है, और इसके साथ ही मकान मालिक का मोबाइल नंबर भी दर्ज है। टप्पल कस्बे का ये गांव पिछले 10 दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन अब सुर्खियां सियासी रूप ले रही हैं। इसकी वजह है इलाके के नेताओं के वो कट्टर बयान जो पश्चिमी यूपी में एक बार फिर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब जो है। आप असल में मसला ये है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। नूरपुर गांव की आबादी करीब 4000 है, जिसमें करीब 125 घर हिंदू समुदाय के हैं और 600 से ज्यादा मुसलमानों के घर हैं। अब आपको बताते हैं कि टप्पल में टेंशन की वजह क्या है। 26 मई की दोपहर एक बारात निकल रही थी। एक पक्ष का दावा, बारात में जा रहे लोगों के साथ मारपीट की गई। आरोपी पक्ष का दावा, अजान के वक्त डीजे बजाने पर झगड़ा हुआ। आरोपी पक्ष ने कहा अजान के वक्त डीजे नहीं कर रहे थे बंद। बवाल के बाद एक पक्ष ने घर बेचने का पोस्टर लगाया। देखिए जी, झगड़े पता रहे, इनकी आबादी ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण ये उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम लोग छोटे होने के कारण अपने दबाव में जैसे भी हम जी तो रहे थे पहले से। फरमान अपने जारी कर दिए हैं कि यहाँ से मस्जिद के सामने से कोई भी डीजे या बैंड या हम आपकी बारात को नहीं निकलने देंगे। पूरी घटना के बाद इसे सियासी रंग देने की कोशिश हुई। AIMIM के स्थानीय नेता नाजिम अली ने आग में घी डाला। नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब जो है। आप असल में मसला ये है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। फिलहाल भड़काऊ बयानबाजी करने वाले AIMIM के इस नेता पर अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सियासी दांव दोनों तरफ से चले जा रहे हैं। तनाव के बीच स्थानीय सांसद सतीश गौतम नूरपुर गांव पहुंचे तो उनके सुर भी गर्माहट भरे थे। लड़के हैं जो उत्पाती हैं, उन्हें ऐसी सबक सिखाई जाएगी, कल मेरी किसी बहन बेटी की जो बच्चा बारात चढ़े, बैंड बंद करने की बात छोड़ो, उसकी तरफ देख नहीं पाए।
जब मामला तनाव खत्म करने का हो, जब मामला बातचीत से विवाद हल करने का हो, तो पहले अपनी शर्तें आगे कर बात नहीं बन सकती। नूरपुर का ये विवाद यहीं खत्म होना चाहिए, बात आगे न बढ़े, यही आम लोग चाहते हैं। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।